नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे टाइम ट्रेवल के बारे में जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जॉन टाइटोर के बारे में है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बताते हैं कि मैं सन 2036 से आया हूँ, नवंबर 2 2000 को एक इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म में, जहाँ लोग आपस में बातें करते हैं। वहाँ पर एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है और उसके अकाउंट का नाम है जॉन टाइटोर। जॉन टाइटोर ने ये पोस्ट किया था कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं सन 2036 से आया हूँ। मैं सन 1975 में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने, क्योंकि सन 2036 में हमारी टीम को उसकी जरूरत थी। लेकिन सन 1975 से 2036 में वापस लौटते समय मैं सन 2000 में ही रुक गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि पास्ट कैसा दिखता है और Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यह मानना था कि यह कोई फेक प्रोफाइल वाला व्यक्ति है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब पोस्ट कर रहा है। फिर जॉन टाइटोर की पोस्ट को रिप्लाई करते हुए बहुत लोगों ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका कोई सबूत दो हमें। और उसके बाद जॉन टाइटोर ने जो पोस्ट करा उससे सबके होश उड़ गए। जॉन टाइटोर ने अपने टाइम मशीन का डिजाइन और कुछ असली टाइम मशीन की फोटोज को पोस्ट किया। जॉन टाइटोर का ये कहना था कि वो एक शोल्डर है और सन 2036 में उसके दादाजी एक IBM कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करते थे। IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज है जो उसके भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इसीलिए वो टाइम मशीन की मदद से यहाँ पर आया है। जॉन टाइटोर भविष्य से आया था, इसीलिए उसने भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया था जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जॉन टाइटोर ने पोस्ट के जरिए ये बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और इस पोस्ट के कुछ ही महीनों बाद 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया। उसने ये भी बताया कि स्पेस शटल ओवरहीटिंग की वजह से हादसा होगा और 21 फरवरी 2003 में यह घटना भी घटित हुई। और भी घटनाओं के बारे में बताया और उसके सारी बातों की जांच की गई तो लगभग 50% सही। लेकिन फैक्ट की बात तो ये थी कि किसी व्यक्ति की आधी बातें सच्ची कैसे हो सकती है और वो भविष्य के बारे में ये सब कैसे जानता था। जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था जॉन टाइटोर अ लाइन ट्रेवलर्स टेल। मार्च 24 2001 को जॉन टाइटोर ने अपनी आखिरी पोस्ट लिखी और उसके बाद जॉन टाइटोर के अकाउंट से आज तक कोई भी पोस्ट नहीं आई और एक रहस्य बनकर जॉन टाइटोर गायब हो गया। बात करते हैं अ मैन इन ए प्लेन। सन 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट में से एक व्यक्ति जापान की तरफ निकल कर आ रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट की एक जगह पर पासपोर्ट चेक कराया जाता है, तो वो व्यक्ति अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहाँ पर रुका और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत आश्चर्यजनक था। वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन जब इस व्यक्ति का पासवर्ड चेक किया गया तो वो पासवर्ड एक यूरोप की कंट्री टोरेट का था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टोरेट नाम की कोई भी जगह वहाँ पर थी ही नहीं। शुरुआत में ऑफिशियल को लगा कि ये कोई पासवर्ड की गलती है। यह सुनकर वो व्यक्ति गुस्सा हो गया और उसने अपने मुँह से कह दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टोरेट का रहने वाला हूँ। और वो कहता है कि मेरी कंट्री तो हजारों सालों से यूरोप में ही है, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम की कोई कंट्री नहीं है। ऑफिशियल्स के चेकिंग की वजह से उस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। इस पासपोर्ट पर बहुत से स्टैंप लगे हुए थे जो एकदम रियल स्टैंप थे और जापान की भी स्टैंप इसके पासपोर्ट पर लगी थी। उस व्यक्ति के पास एक लाइसेंस भी था जिस पर कंट्री का नाम टोरेट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और उससे कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री इस मैप में कहाँ है। उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा एरिया है और ये टोरेट कंट्री है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि असल में तो टोरेट नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। फिर उस व्यक्ति को एक सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया। वो व्यक्ति मान भी गया क्योंकि ऑफिशियल्स ने सिर्फ एक रात रुकने के लिए उस व्यक्ति को कहा था। अगले दिन ऑफिशियल्स उस व्यक्ति को लेने आए। उन्होंने रूम खोलकर देखा कि वो व्यक्ति उस रूम में था ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा पर उसका कोई भी पता नहीं चला। ऑफिशियल्स को ये बहुत अजीब लग रहा था। फुल सिक्योरिटी और कैमरा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कैसे गायब हो गया। और ऑफिशियल्स ने उस व्यक्ति के जो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लिए थे वो सब भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे।
इस घटना के 35 वर्ष बाद डायरेक्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज किताब के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। इसके बाद से इस घटना पर बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गई थी, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि यह व्यक्ति कोई दूसरी पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था जो कि हमारे इस यूनिवर्स में किसी टाइम स्लिप ग्लिच के कारण आ गया था। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वो व्यक्ति भविष्य से आया होगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि टॉयलेट नाम की कोई जगह सच में बन जाए, जहां से इस व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया सिर्फ ये देखने के लिए कि पास्ट कैसा दिखता है, और रात में ये अपनी टाइम मशीन से वापस चला गया। लेकिन कौन सी थ्योरी सच्ची है ये तो आज तक किसी को पता चल नहीं पाया, परंतु ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।